Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Home kitchen with Mehru में हाजिर हूँ. आज मैं बना रही हूँ टी केक विदाउट ओवन. पतीले में बेक करूँगी मैं इसे और टाइम आपको बता दूँगी. इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 कप शुगर पाउडर, 3 अदद अंडे, 1/2 कप ऑयल, 1/3 कप मेरे पास ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी है. अगर आप इसे डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें. 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून लेमन एसेंस. इसमें आप एसेंस कोई भी डाल सकते हैं. वनीला एसेंस डालना चाहते हैं वनीला डाल दें, पाइन एप्पल डालना चाहते हैं पाइन एप्पल डाल दें. 3 टेबल स्पून ल्यूक वार्म मिल्क, ये हमें नीम गरम दूध चाहिए 3 टेबल स्पून. आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. एक अलग बॉल ले लें, उसके बीच में आप एक एक करके तीनों अंडे डाल दें. साथ ही इसमें लेमन एसेंस डाल दें और दूध डाल दें और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें. अगर आप हैंड विस्कर यूज़ करना चाहते हैं तो हैंड विस्कर यूज़ कर लें, मैं हैंड बीटर यूज़ करूँगी. कुछ देर इन्हें अच्छी तरह से फेंट लूँगी. मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिए हैं. अब एक अलग बॉल ले लें, इसे आप साइड पे रख दें अंडों के मिक्सचर को. अब इस बॉल के अंदर आप मैदा डाल दें, बेकिंग पाउडर डाल दें और शुगर पाउडर डाल दें और इसे हैंड विस्कर की मदद से मिक्स कर लें तीनों चीज़ों को अच्छी तरह. जब मिक्स हो जाएं तो इसके बीच में आप ऑयल डाल दें और इसे स्पैचुला की मदद से पहले मिक्स कर लें ताकि जब आप इस बैटर को बीट करें तो मैदा इधर उधर उड़े नहीं. अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लें. अब मैं बीटर लूँगी और अंडे वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदे में ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ बीट करती जाऊंगी. दोबारा आप अंडे का मिक्सचर डाल दें थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें. अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड विस्कर की मदद से भी आप इस बैटर को मिक्स कर सकते हैं. बाकी तमाम अंडे वाला मिक्सचर इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें. स्मूथ सा एक बैटर हमारा रेडी हो चुका है. स्पैचुला की मदद से साइड पे लगा हुआ तमाम बैटर आप साफ़ कर लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें. टी केक का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह रेडी हो चुका है. हमें कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए. अब इसके बीच में मैं टूटी फ्रूटी डालूंगी. टूटी फ्रूटी डालने से पहले मैं इसके बीच में ड्राई मैदा डालूंगी 2-3 चम्मच और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी. ऐसा करने से ये होगा कि टूटी फ्रूटी जो है वो नीचे नहीं बैठेगी केक में. अगर आप नट्स डालना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो उनके साथ भी आप ऐसा ही करें. अब मैं ये तमाम टूटी फ्रूटी केक बैटर में डाल के स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी. अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लें. केक पैन को मैंने ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर पहले से रेडी रख दिया था. अब इसके बीच में मैं तमाम ये टी केक का बैटर डाल दूंगी. पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, 8 से 10 मिनट उसे हाई फ्लेम पर प्री हीट होने रख दिया है. अब मैं ये केक पैन बेक होने रख दूंगी. पैन को मैंने पहले से चूल्हे पे चढ़ा दिया था, नमक डाल दिया था इसकी तह में और ऊपर स्टैंड रख के इसे ढक दिया था. 8 से 10 मिनट इसे मैंने हाई फ्लेम पे प्री हीट किया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट तक बेक करूँगी. 45 मिनट हो चुके हैं केक बेक हुए. अब मैं इन्हें चेक करती हूँ. बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है हमारा केक. अब मैं इसे कूलिंग रैक पर निकाल कर 6 से 7 मिनट के लिए ठंडा कर लूँगी और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ.
कि देखिए बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। ये केक स्लाइस के बाद बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है ये केक। मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। आसान तरीके से विदाउट ओवन मैंने इसे बनाया है। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।